भगवती नमो नमः, प्रथमं भगवती नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। एवं इंद्र के परामर्श से चित्रसेन अर्जुन को नृत्य, गीत, संगीत एवं वाद्य यंत्र की शिक्षा देने लगे। अर्जुन के शुभ समाचार। इन दिनों पुत्र अर्जुन आनंद से इंद्रलोक में गीत, संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे। ये समाचार हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिदेव। बहुत विचलित लग रही हो द्रौपदी। विचलित ना हो तो क्या करें? अर्थात हमें जिसका भय था वही हुआ। पिछली बार अर्जुन 12 वर्षों के लिए ब्रह्मचार्य वनवास हेतु गए थे एवं वहां उन्होंने 4 विवाह किए। अब की बार दिव्यास्त्र प्राप्त करने हेतु साधना करने गए एवं ज्ञात हो रहा है कि इंद्रलोक में संगीत एवं नृत्य की शिक्षा ले रहे। क्या वो अपना लक्ष्य भूल गए? द्रौपदी, तुम्हारा पत्नी एवं नारी हृदय तुम्हें यह सब सोचने पर विवश कर रहा है। हम समझ सकते हैं, किंतु सत्य ऐसा नहीं है। वे अर्जुन है, कुंती पुत्र अर्जुन,
एवं लक्ष्य से उनका क्या संबंध है, ये तो संपूर्ण आर्यवर्त को ज्ञात है। शस्त्र चलाना हो या अस्त्र संग्रह करने की बात हो, वे अपने लक्ष्य से कभी विमुख नहीं होते। एवं कौरवों की सभा में हुए तुम्हारे अपमान को, तो क्या नृत्य संगीत की शिक्षा लेकर हमारे अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा? हमें ज्ञात है, जब तक अर्जुन हिमालय पर साधना कर रहे थे, उन्होंने सफलतापूर्वक अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए, किंतु इंद्रलोक जाकर इंद्रलोक के अलौकिक सौंदर्य, वैभव एवं ऐश्वर्य ने अर्जुन को उनके लक्ष्य से भटका दी। एवं वो इंद्रलोक के आमोद प्रमोद एवं नृत्य संगीत के आनंद में लिप्त हो गए। भ्राता अर्जुन पर से विश्वास खोना उचित नहीं है। तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि अर्जुन कृष्ण की छाया है, अतः अर्जुन से विश्वास उठने का अर्थ है कृष्ण से विश्वास उठना। आप सत्य कह रहे हैं, कदाचित हमसे त्रुटि हो गई। वासुदेव क्षमा चाहते हैं। द्रौपदी धैर्य रखो, द्रौपदी ये समय भी शीघ्र चला जाएगा। किंतु हम इस सत्यता को कैसे विस्मृत कर दें कि अर्जुन अस्त्र इकट्ठा करना छोड़कर नृत्य संगीत में मग्न है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक परिस्थिति हमें चिंता मग्न किए जा रही है। न जाने क्या होने वाला है। भविष्य के गर्भ में क्या होने वाला है ये किसे पता है द्रौपदी, किंतु हां देवेंद्र अर्जुन के लक्ष्य से अनभिज्ञ नहीं है। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि हम सब पांडव भाई तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं, जिसके हेतु भ्राता अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने गए हैं। ये सब ज्ञात होते हुए भी यदि देवेंद्र चाहते हैं कि भ्राता अर्जुन नृत्य संगीत की शिक्षा लें, तो कदाचित इसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण अवश्य होगा। द्रौपदी नकुल उचित कह रहा है, हो सकता है कि जिस नृत्य संगीत को हम भ्राता अर्जुन के आमोद प्रमोद एवं विलास की वस्तु समझ रहे, वही नृत्य संगीत आने वाले भविष्य में हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हो एवं इसमें हमारा कुछ हित छिपा हो।
द्रौपदी, समझने का प्रयास करो। हम समझते हैं किंतु हमारा हृदय नहीं। हमारा अर्जुन एवं अपने अन्य पतियों पर पूर्ण विश्वास। अतः हम परिस्थिति को समझते हैं किंतु कभी कभी हमारा हृदय विचलित हो जाता है एवं इसका वास्तविक कारण कुछ और है। क्या द्रौपदी? हम एक ऐसी माता है जो अपने बालकों के वियोग में जीवन व्यतीत कर रही है। इतने वर्षों से हमारे बालक हमारे स्नेह एवं वात्सल्य से वंचित हैं एवं हम उनका बालपन देखने से एवं आगे के 13 वर्ष पूर्ण होने तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। एक नारी के लिए, एक माता के लिए इससे कष्टप्रद और कुछ नहीं होता। अपने बालकों का मुख देखने की, उनकी बाल क्रीड़ाएं, बाल लीलाएं देखने की हमारे हृदय में कितनी लालसा होती है ये हम केवल स्वयं को बताती रहती है। किसी और को बताए भी तो कैसे? एक नारी होने के नाते हमारे पास अश्रुओं का सहारा है किंतु हमारे पति तो इससे भी विमुख है। हम दिन रात्रि अपने बाल वियोग का परिवाद कर उन्हें और कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हमारा ये अपने बालकों से पृथक होने का दुख एक कारण है कि हम प्राय अपने पतियों से हर विषय में इतना रोष प्रकट करते हैं। अपने बालकों से वियोग का रोष एक पत्नी के रूप में स्वतः ही प्रकट होता रहता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? द्रौपदी, धैर्य रखो। द्रौपदी, ये समय भी शीघ्र चला जाएगा। हाँ, हम लोग वापस जाएंगे, तुम अपने बालकों के साथ रहोगी। विश्वास रखो, सब उत्तम हो जाएगा। वहां गयासुर नामक असुर था जिसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु कठोर तप किए।
अब यहां और रुकना उचित नहीं होगा भ्राताश्री। अर्थात? अर्थात काम्यक वन से हम तीर्थ भ्रमण के लिए चले थे, किंतु यहां एक ही स्थान पर रहते रहते हमें कितने वर्ष हो गए। इसी कारण से अब ऐसा प्रतीत होता है कि यहां समय व्यतीत नहीं होता। और विशेष करके द्रौपदी का यहां करने के लिए हमारे पास कुछ भी काम नहीं है। अधिकतर समय द्रौपदी बालकों का स्मरण करते रहती है एवं उदास रहती है। अतः भ्राताश्री अब हमें यहां से चलना चाहिए। भ्रमण करते रहेंगे, भिन्न भिन्न लोगों से भेंट होगी, वातावरण भी बदलेगा एवं द्रौपदी का ध्यान बटेगा एवं बालकों से वियोग का उनका दुख भी कम होगा। तुम उचित कह रहे हो सहदेव, हम कल प्रातःकाल में ही यहां से प्रस्थान करेंगे। भ्राताश्री इन दिनों लोम ऋषि भी यहीं पर है, तो क्यों ना हम उन्हें अपने साथ ले चले। ब्राह्मण पथ पर वो हमारा मार्गदर्शन करते चलेंगे। उत्तम, हम उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। अर्थात प्र एवं याग, यह वह पवित्र स्थली है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के उपरांत अपना सर्वप्रथम बलिदान यज्ञ किया था। अतएव इस भूमि का नाम प्रयाग पड़ा। तो ऋषि मुनियों की यह भूमि जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, जहां अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट के लिए प्रस्थान के पूर्व रामचंद्र जी ने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में समय व्यतीत किया था, जहां गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है। ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में हम लोगों का भी आना हुआ। ये हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।
वहां गयासुर नामक असुर था, जिसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु कठोर तप किए। इतना कठोर अंत तो गत्व उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह इतना पवित्र हो गया कि उस पर दृष्टि पड़ते ही लोगों के समस्त पाप मिट जाते। देवों ने गयासुर को वचन दिया था कि वो उसके मृत्यु के उपरांत उसके देह में रहेंगे एवं जब गयासुर की मृत्यु हुई तो उसका मृत्यु देह इन पर्वतों और चट्टानों में परिवर्तित हो गया, जिसमें देव वास करते हैं। अतः इस कारण इस पवित्र स्थली का नाम गया पड़ा। जिनके भाग्य में होता है वही यहां पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं, जैसे कि आज हम लोग आए हुए। ये आपने क्या किया? हमने वही किया कृष्णा, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। निर्देश? द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण को भला कौन निर्देश दे सकता है? कृष्णा, इस समय मैं द्वारकाधीश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पुत्रों का संदेशवाहक हूँ।